Hawa, she got a beautiful name, Hawa, and that's her mother. What was your name? Shalala, what's your full meaning? वो ये देखेंगे, ये है अभी, वी आर गोइंग देयर। 19:31 रोदा खुलेगा, 7:31 पर ना सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? वेलकम टू अनदर व्लॉग, दिस इज बबुरा केजे। और आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मैं एक बड़े तारीखी मुकाम पर जा रहा हूँ जो कि बाकू में ही है, जिसको बीबी हैबत मॉस्क कहा जाता है। अब ये कौन बीबी हैबत हैं, और बहुत से लोगों को इनके बारे में पता होगा और मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों को इनके बारे में नहीं भी पता होगा कि ये कौन थी और कहाँ से आई थी और इस शहर बाकू अज़रबैजान में उनका जो है मज़ार क्यों है, उनका रोज़ा क्यों है। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से आई थी और ये बेसिकली कौन है और इनको बीबी हैबत क्यों कहा जाता है। तो चलते हैं बगैर देर किए हुए, हमारा सफ़र लंबा है थोड़ा सा आज क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना है, तो लेट्स गो। चलते हैं यार, मैं फिर ये पहन लेता हूँ, पर असल में ये हवा से बचा लेती है ना मुझे, बस पहननी पड़ेगी फिलहाल। सारे कहेंगे कि एक जैकेट पाई जा रहा है, भाई मैं नहीं लेके आया, इतना ज़्यादा सामान था इतना ज़्यादा जो कि मैं नहीं था लेके आ सकता। अभी यहाँ पे गर्मियाँ आने वाली हैं तो मैंने कहा अभी गर्मी आ जाएंगी 2-3 महीने बहुत, तो सामान लेने का फ़ायदा कोई नहीं है, पैसे ज़्यादा होंगे, तो उससे बेहतर यही है कि अभी फ़िलहाल ये ऊपर शेल शुल पहन लें जो हवा पानी सब चीज़ों से बचा लेता है और सर्दी से भी बचा लेता है, तो ये बेहतर है। अभी तो ट्रैवल करने आए हैं, एक्सप्लोर करने आए हैं जगह, चलिए भाई निकलते हैं अब, लेट्स गो टू बीबी हैबत। आज मौसम काफ़ी खुशगवार है, बाकू की साफ सुथरी रोडों को देख के दिल बहुत खुश हुआ और मुनज़्ज़म तरीके से जो गाड़ियाँ चल रही हैं ये कुछ ज़्यादा ही मज़ा दे रही हैं कि कोई टी टी पाँ पाँ की आवाज़ नहीं आ रही। आज थोड़ा पैदल चलने को जी चाह रहा है। यहाँ देखिए हर कोई अपनी मस्ती में मगन है, मैं कैमरा लिए वीडियो बना रहा हूँ, किसी को कोई सरोकार नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कोई किसी को अजीब तरीके से भी नहीं देख रहा कि यार ये क्या कर रहा है, ये कोई एलियन तो नहीं। तो चले बस में मैं बैठ गया हूँ अब, और मैं चाह रहा था थोड़ी बस में वीडियो बनाऊँ तो मिरर कैमरा ऑन करके थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हो गया कि यार, क्योंकि कॉन्फिडेंस सही होता है आपका बस में पब्लिक में वीडियो बनाने के लिए। अज़रबैजान का लहलाता झंडा नज़र आया और मैं रोड पे अब उतर के सोच रहा हूँ कि बोल्ट करवा लूँ। मेरी बोल्ट का वेट करते करते मुझे कुछ यहाँ पे दोस्त भी मिल गए जिनसे मैं आपकी अभी मुलाकात भी करवाता हूँ, क्योंकि मैं रास्ता भटक गया था, उन्होंने मेरी मदद की और मुझे एप्लीकेशन पे बोल्ट ऐप के ज़रिए गाड़ी भी मंगवा के दी और साथ शरीक हो गए। We got some good friends with us. Say hi. Hawa, she got a beautiful name, Hawa, and that's her mother. What was your name? Shalala, what's your full meaning? Shalala, and what does it mean, Shalala? Waterfall. Like, all right, that's good. So you guys had an idea. Madam Shalala and Hawa are with us. They're accompanying us to Bibi Habit. They met us accidentally, and wo bhi bataunga, it's another story how we found them. To abhi chalte hain, that's Bibi Habit. Mujhe lag raha hai ki andhera ho jayega. Main iftar se thodi der pehle hi main ghar se nikla tha कि मैंने सोचा कि मैं रोज़ा भी वहीं पे खोल लूँगा, और ये जो रास्ते मिले एक्चुअली हुआ है सीन ये था, वो मैं आपको उतर के बताता हूँ कि क्या सीन हुआ था। जी तो आपने देखा ये माँ बेटी जिन्होंने मेरी मदद की वहाँ पे स्टॉप पे खड़े होकर, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन नहीं चल रही थी। चलें अब बीबी हैबत सलामुल्लाह अलैहा की तरफ जाते हैं, मुझे शायद दूर से दिखाई अभी दे देगा उनका रोज़ा मुबारक, उस पहाड़ के पीछे वो देखें जहाँ पे मेरी उंगली टच हो रही है, वो है बीबी हैबत का रोज़ा। बीबी हैबत कौन हैं, ये कहाँ से तशरीफ़ लाएं, और इनकी निस्बत क्या है, और ये किस ख़ानदान से बिलोंग करती हैं,
बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा, क्योंकि मेरे लिए बड़ी ये हैरानी की बात थी कि अज़रबैजान के शहर बाकू में भी कोई ऐसा मुकाम है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन थी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो बीबी हैबत अलैहिस्सलाम हैं, ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की साहबजादी हैं, उनकी बेटी हैं ये। तो इतना बड़ा तारुफ तो पहले ही मैंने आपको करवा दिया, अब मैं हिस्ट्री बताता हूँ कि ये यहाँ पे कैसे और क्यों आई। चलिए, तारीख़ में है कि अपने भाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जनाब मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा के हमरा इन्होंने भी खुरासान का सफ़र किया। चूंकि उनके काफ़िले से बिछड़ जाने के बायस ये अज़रबैजान के शहर बाकू में पहुंच गए, तो ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी हैबत, जिनका नाम फातिमा सुगरा अलैहिस्सलाम है, वो यहीं पे सुकूनत अख्तियार की उन्होंने। चलें आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ, ये देखिए इनके रोज़े का सहन, और आज हवा का प्रेशर बहुत तेज़ है, इस तरह के जिस तरह हवा भी उड़ा के ले जाएगी। ये देखें यहाँ पर तेल निकाला जाता है, चूँकि अज़रबैजान तेल की दौलत से माला माल है और अभी तक यहाँ से सही तरह तेल दरियाफ्त भी नहीं हुआ। ये सारी देखें आप क्रेन्स देखें, ये जितना मंजर आपको नज़र आ रहा है ये सब ऑयल रिफाइनरी और तेल निकाला जा रहा है यहाँ से। आइए अब आपको रोज़े के अंदर का मंजर दिखाते हैं। दाखिल हुआ मैं अंदर, दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पेश किया, और एक दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह मैं करबला में खड़ा हूँ। बहुत पुरसकून माहौल था। जैसा कि हम रोज़े से थे, जैसे हम लोग यहाँ बैठे थे, तो एक आंटी ने आके हमें ये अफ्तारी का सामान दे दिया। इसमें ये जो इनका इनकी ये ब्रेड होती है, ये अभी दिखाता हूँ आपको, ये एक ब्रेड है इनकी, और ये दो चूरे रोल है, पता नहीं इसमें क्या होता है, बट लंगर आ गया। ये बीबी हैबत मस्जिद है। बीबी हैबत में जो है इनकी इंतज़ामिया ने इफ्तारी का एक इंतज़ाम किया है, जितनी भी यहाँ पे आवाम है उनके लिए इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया, जिसमें ये देखें खजूरें हैं, कुछ बिस्किट्स हैं, ये इनका चूरे ब्रेड है और पानी है। तो अभी अफ्तारी शुरू होने वाली है, बस थोड़ा सा टाइम रह गया। वैसे मैं घर से दो बिस्किट लेके आया था कि मैंने कहा रास्ते में कोई रोज़ा खुल जाए तो खा लें। 19:31 पर रोज़ा खुलेगा, 7:31 पर ना सर, 7:31 पर रोज़ा खुलेगा। अब घर की तरफ रुख करते हैं जनाब, चलिए घर की तरफ। काफ़ी लंबा सफ़र किया, हालांकि बाकू बहुत छोटा सा है, लेकिन जितना मैं पैदल चला था मुझे सफ़र काफ़ी लंबा लगा। गाड़ी में बहुत खूबसूरत मौसीकी लगी हुई, इससे मैं तो काफ़ी महसूस हो रहा हूँ इस वक्त। इनका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, और जितने भी लोग हैं इनकी म्यूज़िक सेंस भी बहुत अच्छी है, और म्यूज़िक सुनने वाले को म्यूज़िक करने वाले को बहुत पसंद किया जाता है। इन शॉर्ट आर्टिस्ट को ये बहुत पसंद करते हैं, और दे लिव द मोमेंट, और ये कल की नहीं सोचते। अच्छा, तो मैं घर वापस आ चुका था। वी हैड अ लॉन्ग डे, तो नहीं बोलूँगा कि लॉन्ग डे था, असल में था शॉर्ट ही इफ्तारी से। तकरीबन 3 घंटे पहले हम लोग निकले थे बाहर, और फिर बीबी हैबत तक पहुँचे। पहले तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा सफ़र क्या है सिंपल, अगर बोल्ट या उबर में बैठ के भी जा सकते तो सीधा वहाँ पे चले जाते, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा आज के दिन ये ट्विस्ट रखते हैं कि थोड़ा सा पैदल चलें, रोज़ा भी था। पैदल चलने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा बस में बैठते, क्योंकि बस पहुँचाती है 1.5 घंटे के अंदर। मैंने कहा ज़रा पहुँचने को तो दिल कर रहा था कि फ़ौरन पहुँच जाए, मैंने कहा लेकिन कोई नहीं, सलाम करने जा रहे हैं, थोड़ी सी इस तरह की भी होनी चाहिए कि देर भी हो रही है, थोड़ा पैदल भी चल रहे हैं, थोड़ा मशक्क़त से पहुँचे वहाँ पर जाके। तो फिर आधे रास्ते में वो जो मुझे कुछ फ्रेंड्स मिल गए, वो जो आपने अभी वीडियो में अभी देखे हैं, वो सीन ये था कि हम लोग स्टॉप पे खड़े हुए थे, तो मैंने जब बोल्ट कराई मुझे
अजरबैजानी ज़ुबान नहीं आती, ठीक है, मैं सिर्फ गिनती गिन लेता हूँ या कुछ थोड़े बहुत लफ्ज़ बोल लेता हूँ। वो जब मैं बोल्ड करवा रहा था, मैं एक बंदे से बात करवाना चाह रहा था, तो एक ये खातून आई, इनका नाम हवा है, ये आई, इन्होंने बोला कि मेरी बात करवा दें, मैं इसको कम्युनिकेट कर देती हूँ जो भी आप का मैसेज है। तो मैंने उसको बताया, इन्होंने पूछा आप किस साइड पे जा रहे हैं, मैंने बताया कि हम लोग बीबी हैबत वाली साइड पे जा रहे हैं। तो उसने बोला कि हम लोग भी बीबी हैबत से आगे एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे इसके इसकी अम्मी के साथ डिनर था, तो ये इन्होंने अकम्पनी किया है, बड़े अच्छे तरीके से हमें वहाँ पे लेके गए और हमने इनका बड़ा शुक्रिया अदा किया। फिर इसके बाद इन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा चाय पिलाई, तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा एक अच्छा था, एक्सीडेंटली हमें ऐसे जो है रास्ते में ये मिल गई। शी वॉज रशियन एंड हर मदर वॉज नहीं, शी वॉज नहीं, शी इज़ रशियन एंड हर मदर इज़ अजरबैजानी एंड हिज फादर इज़ रशियन, तो हर फादर ये इज रशियन। हर फादर इज़ रशियन। तो इस तरह करके ये कोइंसिडेंस, यानी कि ऐसे मुलाकात हुई इनके साथ, तो ये सारा सीन था। और बाकी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, कि काफ़ी रिवायती से अल्फाज लगते हैं बोलते हो, जो हर यूट्यूबर बोलते हैं, लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम का और फेसबुक का भी लिंक है, उसको भी प्लीज़ फॉलो कर दें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपकी तक पहुँचाता रहूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग भी करूँ, क्योंकि लेकिन मुझे काम भी करना पड़ता है साथ साथ, उस बिजी स्केड्यूल में से मुझे थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा सा नहीं, प्रायोरिटी पे टाइम निकाल के मैं व्लॉगिंग भी कर ले। तो जैसे मैं स्पेशली बीबी हैबत इसलिए कह रहा था ताकि आप तक भी पहुंचाऊं, क्योंकि बहुत से लोगों को इनके बारे में नहीं पता। तो दिस इज़ अबाउट इट, और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग भी अच्छा होगा, अगला व्लॉग इंटरेस्टिंग ही होगा। बल्कि चलें फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।